अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शिमला मिर्च की ऐसी रेसिपी जो आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड कैप्सिकम भरवा शिमला मिर्च। इसके लिए मैंने यहाँ पे बड़े साइज का 2 शिमला मिर्च लिया है। इसे मोटे मोटे रिंग्स में कट कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कट करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं कट करना है। साइड को हटा देंगे और जो सीड है इसे भी हटा देना है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे नाइफ से इस तरह से होल करते हुए इसके बीच वाले पार्ट को निकाल देंगे हम। थिकनेस देख सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट निकला है इसे भी रहने देंगे, और इसी तरह दूसरे वाले कैप्सिकम को भी कट कर लेंगे। तो सारा हमने कट कर लिया है। लेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, 2 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, और इसे फाइन चॉप कर लेंगे इस तरह से। तो 2 कैप्सिकम लिया है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 5 बॉयल आलू लिए हैं। तो इसे ग्रेट नहीं करना है, इसे हाथों से मैश करेंगे ताकि इसमें छोटे छोटे आलू के चंक्स रहें। बिल्कुल भी इसे स्मूथली मैश मत कीजिएगा, थोड़े थोड़े टुकड़े आलू के रहने दीजिएगा। इससे जो है कैप्सिकम बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, आप इसकी जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, और जो प्याज हरी मिर्च अदरक हमने चॉप करके रखा हुआ है इसे भी शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो स्टफिंग हमारा रेडी है। अब कैप्सिकम रिंग्स लेंगे और इसमें आलू फिल कर देंगे। तो इसे दबाते हुए अच्छे से फिल करेंगे ताकि स्टफिंग निकले नहीं। और इसी तरह सारा कैप्सिकम रिंग को हम स्टफ कर लेंगे। तो मिक्सर को अच्छे से फिल करना है, बहुत कम भी नहीं डालना है और ओवर भी डालकर इसे फिल नहीं करना है। तो सारे कैप्सिकम को हमने स्टफ्ड कर लिया है। लेंगे पैन, इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। तो इसे हम सैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम कैप्सिकम डालकर फ्राई कर लेंगे। तो 5 मिनट एक साइड इसे कुक करेंगे ढककर। 5 मिनट के बाद इसे फ्लिप कर देंगे। तो इसे हमने पलट दिया है। अब 5 मिनट और इसे दूसरे साइड भी कुक करेंगे। तो ओवर कुक नहीं करना है, लगभग 80% हम इसे कुक करेंगे। अब इसे पलट कर थोड़ा क्रंच होने देंगे। तो कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत कीजिएगा, नहीं तो स्टफिंग जो है निकल जाएगा। तो अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह जो बचे हुए कैप्सिकम रिंग्स है इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो इसे आप सर्व कीजिए पूरी या फिर दाल चावल के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। ट्राई द रेसिपी, फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।